योग निरोग कार्यक्रम में आज हम जानेंगे कि योग द्वारा मोटापे का उपचार कैसे किया जा सकता है। मोटापा बीमारी ही नहीं बल्कि सब बीमारियों की मूल है, जड़ है ये, और कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जो मोटापे की वजह से शरीर में ना आए। जब शरीर का वजन असामान्य होता है और शरीर बेढोल होने लगता है, क्रूप सा दिखने लगता है, शरीर पर अपना नियंत्रण हम स्वयं खोने लगते हैं, उसे हम मोटापा कहते हैं। बहुत आसान तरीका है, सभी स्वयं जो है ना इसका पता लगा सकते हैं कि मेरे शरीर में मोटापा है कि नहीं। हम सभी अपना वजन जानते हैं, वजन को किलोग्राम में जानिए आप, और जो आपकी हाइट है उसको मीटर्स में निकाल लीजिए, उसका स्क्वायर निकाल लीजिए, वेट अपना केजी में लेकर उसको हाइट इन मीटर्स के स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपका उत्तर 20 से 24.9 के बीच में आता है तो आपका शरीर एकदम ठीक है वजन के लिहाज से। यदि ये 25 से लेकर के 29.9 तक आता है तो ये एक वार्निंग स्टेज कहलाती है कि आप तैयार हो जाइए, अगर आप सावधान नहीं हुए तो मोटापा आपके शरीर में आ जाएगा। अगर आपने अपना लाइफस्टाइल बदल लिया और इसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो आप बहुत ठीक रहेंगे। यदि आपका उत्तर आता है 30 से लेकर 34.9 के बीच में तो आप समझिए कि आपके शरीर में मोटापा आ चुका है और आपके शरीर में ये मोटापे की पहली स्टेज है। अगर आपका 35 से लेकर के 39.9 के बीच में आता है तो ये मोटापे की दूसरी अवस्था है, और अगर 39.9 या 40 से ऊपर अगर ये आता है तो ये तीसरी स्टेज आ जाती है, जिसमें कि मोटापा आपके नियंत्रण से भी बाहर हो जाता है और अनेकों बीमारियों का कारण बनता है। जब आपके शरीर में मोटापा आ जाता है तो आपका शरीर से सबसे पहले नियंत्रण धीरे धीरे कम होने लगता है। आपको चलने में परेशानी होगी, आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, आपको एसिडिटी बननी शुरू हो जाएगी, आपको उच्च रक्तचाप का रोग होना शुरू हो जाएगा, आप हृदय रोगी हो सकते हैं, हृदय पर एक अतिरिक्त दबाव सा बनने लगता है, आपको कब्ज बन सकता है, आपको गैस बन सकती है, आपको अमल की शिकायत हो सकती है, इन सब कोई जोड़ों का दर्द, आपकी कमर में 3 पॉइंट्स हमारे शरीर में ऐसे होते हैं जिनको हम वेट बियरिंग पॉइंट्स कह सकते हैं, लंबर, नीज और टखने, इनमें से कहीं पर भी कभी भी दर्द शुरू हो सकता है। मोटापे का आप देखेंगे कि आजकल आधुनिक समाज में यह बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर आज से 20 और 30 साल पहले अगर आप देखें तो समाज में मोटापा इतनी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा था। आज लोगों का खान पान, भोजन, लाइफस्टाइल, सोने का, उठने का तरीका बिल्कुल बदल चुका है। आज फिजिकल वर्क नहीं रहा हमारा, हम कार से चलते हैं, रिमोट से दरवाजे को खोलते हैं। खाना जो था वो पाश्चात्य देशों की सभ्यता हमारे देश में बहुत तेजी से घर कर गई। बाहर का भोजन हम बहुत ज़्यादा खाने लगे, डिब्बा बंद भोजन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है, जंक फूड, मैदा, चीनी, मीठा, तलावा, हम इतनी ये चीज़ें सब जो सेवन करते हैं तो ये सब मोटापे का कारण बनता है। भूख से ज़्यादा खाना, बार बार खाना, गैर टाइम खाना, देर रात में खाना, ये सब मोटापे के कारण है। इसके अतिरिक्त यह भी एक कारण बन सकता है कि यदि माता पिता को मोटापा रहा है तो बच्चों के अंदर जीन्स ट्रांसफर होने की वजह से भी मोटापा आ सकता है। महिलाओं में कुछ महिला हार्मोन्स भी इसका कारण बनते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं में आप पाएंगे कि विशेषकर मोटापे का एक वह कारण भी हो सकता है। मोटापे का उपचार वास्तव में आप देखेंगे कि आजकल तो मोटापा इतना बढ़ गया कि डॉक्टरी इलाज भी शुरू हो गया। जब बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ जाता है तो आप डॉक्टरों की शरण में जाते हैं, वो सर्जरी करके
फैट्स को बाहर निकालते हैं, या आपकी अमाशय की थैली को काट करके छोटा बना देते हैं, जिस या आप कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं जिससे भूख लगे, भूख कम लगे। लेकिन ये सब नेचुरल और सही और परमानेंट इस बीमारी का सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है कि आप नेचुरल तरीके से ही, प्राकृतिक विधि से ही अगर मोटापे पर नियंत्रण करेंगे तो वो हमेशा के लिए आपकी समस्या का समाधान होगा। और जो प्राकृतिक समाधान है इस समस्या का, वह है कि आप अपने शरीर को हिलाना डुलाना शुरू करें, आप शरीर से मेहनत करना शुरू करें। अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो आप शरीर को किसी न किसी रूप में व्यायाम दें, जैसे कि योगाभ्यास इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ तकनीक है, जिसके माध्यम से हम मोटापे पर काबू पा सकते हैं। आज हम आपको 3 आसनों का ऐसा अभ्यास करवाएंगे जो कि मोटापे को कम करने में बहुत अधिक लाभकारी है। पहले नंबर पर पेट के बल लेटकर के हम सर्प आसन का अभ्यास करते हैं, जो कि पेट के मोटापे को कम करने के लिए बहुत प्रभावकारी है। दूसरे नंबर पर हम आपको पादोत्तानासन का अभ्यास करवाएंगे, जो कि कमर के निचले भाग और नितंबों के आसपास की चर्बी को कम करता है। आप कभी भी पाएंगे मोटापा इन 2 जगहों पर सबसे ज़्यादा जोर करता है। सर्पासन पेट के मोटापे के लिए और पादोतान आसन कमर के निचले हिस्से, थाइस और नितंबों के आसपास की चर्बी को कम करने वाला बहुत सुंदर आसन है। एक हम आपको आज बाल क्रीड़ा आसन करेंगे, जो कि हमारे इस क्रिया को बहुत अच्छा, पाचन क्रिया को बहुत सुंदर बनाता है और मोटापे को नियंत्रित करने में लाभकारी है। अंत में हमें शवासन का अभ्यास भी कर लेना चाहिए, ताकि हम आसन करने के बाद किसी प्रकार की थकान महसूस ना करें और जो मल उखड़ता है आसन के दौरान वह अपनी जगह छोड़ करके शरीर से बाहर जाए। मोटापे को कम करने के लिए हम करेंगे अब सर्पासन। पेट के बल लेट जाएं, सर्वप्रथम दाई ओर शिथिल आसन में लेटें, दाया कान धरती पर, दाई भुजा सीधी, दाई टांग सीधी, बाई टांग मुड़ी हुई, पैर का पंजा घुटने के नजदीक, बाई भुजा भी मुड़ी हुई, कंधे से भुजा की कोहनी तक भुजा बिल्कुल सीधी और कोहनी से 90 डिग्री पर मुड़ती हुई हथेली ठीक नासिका के सामने आ जाती है। शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें इस आसन में। सर्पासन की स्थिति लें, दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों बाजुओं को कमर के ऊपर लाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लें, बाजुओं को नीचे की ओर खींच दें, एड़ी पंजे मिलाकर श्वास भरते हुए आगे से धड़ और पीछे से दोनों टांगे ऊपर उठाएं, पेट के बल दाएं बाएं डोलना शुरू करें। पेट के आसपास जो चर्बी जमा हो जाती है उसको कम करने वाला आसन है ये। इस आसन के दौरान सभी पाचक अंगों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है और पाचन भी सुदृढ़ बनता है। जब श्वास लेने का मन करें तो हम एक साइड करवट में रुक जाते हैं, श्वास को सामान्य करते हैं, पश्चात फिर दोबारा से श्वास भर करके डोलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे बाईं ओर शिथिलासन में आकर विश्राम करें। जो मोटापे के रोगी हैं उनको ये आसन
यदि वो 3 मिनट तक करते हैं, बीच बीच में वो आराम कर सकते हैं, 3 से 5 मिनट का आसन अगर करते हैं तो उनके लिए ये आसन बहुत प्रभावकारी कहलाता है। मोटापे को कम करने वाला पादोतान आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, दोनों बाजू शरीर के साथ ले आएं, हथेलियों का रुख धरती की ओर हो, उंगलियां मिली हुई हों, दोनों बाजुओं को श्वास भरते हुए सर की ओर ले आएं। श्वास को बदल लें। अब श्वास भरते हुए दोनों टांगे, दोनों भुजाएं एक साथ धीरे धीरे 90 डिग्री तक ऊपर की ओर उठा दें। आने की गति धीमी होनी चाहिए। दोनों बाजू, दोनों टांगे एकदम पैरेलल हों एक दूसरे के। पंजे आसमान की ओर तने रहेंगे। हाथों की उंगलियां और अंगूठा आपस में मिला हुआ। इस आसन की पूर्ण स्थिति में रुकने पर जंघाओं के आसपास, नितंबों के आसपास और कमर वाले भाग में जमा चर्बी कम होने लगती है। यह आसन मोटापे से निजात दिला देने वाला आसन है। श्वासों को सामान्य रखा जाता है पूर्ण स्थिति में। पूर्ण स्थिति में आने और जाने की गति भी कम होनी चाहिए, जिस प्रकार सामने दिखाया जा रहा है। बहुत धीरे धीरे आना प्रारंभ करें वापस। दोनों पैरों में थोड़ा फासला बना दें, दोनों बाजू शरीर के साथ ले आएं हल्की दूरी पर, और शरीर को ढीला छोड़कर विश्राम करें। श्वासों को सामान्य कर लें ताकि शरीर अगले आसन के लिए तैयार हो जाए। पद्मासन, पंजे ताने, दाएं टांग को मोड़ते हुए एड़ी को बाईं ओर पेड़ू में स्थित कर दें। बाईं टांग को मोड़ते हुए एड़ी को दाईं ओर पेड़ू में स्थित कर दें। दोनों घुटने धरती पर, दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों पर रखें। अंगूठा और पहली उंगली की टिप्स आपस में मिल जाए, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। कमर रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पेट के मोटापे का सबसे बड़ा कारण पाचन प्रणाली का दोष होता है। हम अब एक ऐसा प्राणायाम करेंगे, अग्निसार प्राणायाम, जो कि पाचन प्रणाली को सुदृढ़ कर देने वाला है और पेट के मोटापे को भी कम करने वाला है। अग्निसार प्राणायाम। दोनों हथेलियों को पलट घुटनों पर रखें, मूलबंध लगाएं। मूलबंध का अर्थ है गुदामूल के आसपास की मांसपेशियों का संकोचन कर उसे ऊपर की ओर खींच देना। पश्चात श्वास को पहले पूरा भीतर भरें, उसके बाद धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़कर नाभि मूल को बारंबार रीढ़ से बाह्य कुंभक में लगाएं। अग्निसार प्राणायाम। हथेलियां पलट घुटनों पर रखें, मूलबंध लगाएं, गुदा मूल की मांसपेशियों का संकोचन कर उसका स्राव ऊपर की ओर कर दें। श्वास को पूरा भीतर भरें,
धीरे धीरे श्वास को पूरा बाहर निकालें। अंत में पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ नाभि मूल को बारंबार रीढ़ से लगाएं। इससे हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत की मसाज होती है, अन्य आसपास के पाचक अंग भी विशेषतः प्रभाव में आने से पाचन प्रणाली सुदृढ़ बनती है, निष्कासन प्रणाली सहज होती है और पेट के आसपास का मोटापा भी ठीक होता है। बहुत धीरे धीरे जब श्वास लेने का मन करे तो वापिस आना चाहिए। फिर आराम करने के बाद जब श्वास सामान्य हो जाए फिर उसी प्रकार से श्वास को भीतर भरें, पूरा श्वास बाहर निकालें, अंत में पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, नाभि मूल को बारंबार रीढ़ से लगाएं। पेट के सभी दोषों को भी ठीक करने वाला प्राणायाम है ये अग्निसार प्राणायाम। धीरे धीरे वापिस आकर दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लें और श्वासों को सामान्य कर अपनी अंतरंग अवस्था का मानसिक अवलोकन करें। मोटापे में शुद्धिकरण का बहुत अधिक महत्व है, महत्व ही नहीं बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये एक पाचन प्रणाली का दोष है और इसमें दो चीजों की बहुत अधिक भूमिका है, एक कुंजल और दूसरा अनीमा। शुरू में जिनके शरीर में मोटापा है उन्हें लगातार 3 दिन योगिक अनीमा लेना चाहिए, किसी योग शिक्षक की देखरेख में उसकी जानकारी पूरी हासिल करने के बाद। बाद में वह हफ्ते या 10 दिन में 3 से 4 अनीमा और रिपीट कर सकता है। इसी प्रकार कुंजल की क्रिया हमारे अमाश्य और ओसोफोगस ट्यूब की सफाई करने के लिए बहुत सुंदर क्रिया मानी जाती है। इसमें 4-5 गिलास क्षमता के अनुसार पानी पी करके और वमन किया जाता है, उल्टी की जाती है, खाली पेट प्रातः है। जिस दिन कुंजल करना हो पहले दिन सायंकालीन हल्का भोजन लें और शीघ्र जल्दी खाना खा लें, अर्ली आवर्स में 6-7 बजे के करीब, जिससे कि अगले दिन कुंजल आपका बहुत बढ़िया होगा। कुंजल करने के लगभग 1 घंटे तक कोई सॉलिड ना लें। जिनको हृदय रोग की शिकायत है, जिनको अस्थमा की शिकायत है, उनको कुंजल की क्रिया नहीं करनी चाहिए। पर मोटापा अगर शरीर में है और उनको ये दो शिकायतें नहीं है, उनके लिए कुंजल क्रिया मोटापे को कम करने में बहुत लाभकारी साबित होती है। अगर मूलतः इसके कारण और निवारण को संक्षिप्त रूप में हम देखें तो कारण इसका भोजन है और निवारण भी इसका भोजन है। जब हमारा भोजन ठीक नहीं होता, बार बार हम भोजन करते हैं, देर रात से भोजन करते हैं, जंक फूड या हाईली कार्बोहाइड्रेटेड या हम तला हुआ खाते हैं तो मोटापा आता है। जब हम निवारण की तरफ जाएं तो आप इस क्रिया को उल्ट दीजिए तो आपको भोजन की बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। हमें ताज़े फलों का सेवन करना चाहिए, उबली सब्जियां जैसे कि तुरई, चुलाई, टिंडा, पालक आदि सब्जियों का सेवन हमें करना चाहिए। अतिरिक्त इसके देर रात से भोजन ना करें, उसको सायंकालीन 6 बजे से 7 बजे के बीच में भोजन कर लें। पानी का अधिक सेवन करें। आपको सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा, सफ़ेद चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। चीकू, केला, शकरकंद, आपको कंदमूल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। सायंकालीन भोजन में से दाल को निकाल दीजिए। अंकुरित अनाज का अगर आप सेवन करेंगे तो आप पाएंगे कि भोजन को केवल ठीक करने से मोटापे की समस्या को बहुत बड़ी सीमा तक आप कंट्रोल में, नियंत्रण में ला सकते हैं। चाय, कॉफी
कोला, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेनी, फ्रिज में रखा हुआ फूड और डिब्बा बंद भोजन नहीं लेना, और अगर हो सके तो दिन भर के अपने जितने भी कार्य हैं वो स्वयं करें। हम दूसरों से करवाते हैं, स्वयं कार्य नहीं करते, जिससे कि हमारी फिजिकल लेबर कम होती चली जाती है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर से काम लेना चाहिए, जिससे कि मोटापा स्वतः ही ठीक होता है। अतिरिक्त इसके जितनी बातें आज बतलाई वो सारे सुझाव के अंतर्गत आती हैं। प्रतिदिन आसनों का अभ्यास करें, प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करें, आप भोजन को ठीक कर लें, मेहनत करें और अपने मन में भाव लाएं कि अब मैंने जब से योगाभ्यास करना शुरू किया है अब मेरे शरीर से मोटापा कम होता जा रहा है। भाव लाने से भी आप पाएंगे कुछ दिन के बाद, करने के बाद भाव लाना है, बिना किए भाव नहीं लाना है। जब आप करेंगे और भाव लाएंगे तो मोटापा स्वतः ही धीरे धीरे नियंत्रित होने लगेगा।